चुड़ैल वाला मोड़ अध्याय 9। पापा की आवाज सुनकर सोनम को वही ड्राइंग रूम में छोड़कर संकेत पापा की कमरे की तरफ भागा। अचानक गैलरी की खिड़की का शीशा भड़ाक की आवाज के साथ टूटा। गनीमत थी कि संकेत खिड़की से 3 फीट की दूरी पर था। एक पल में ही पापा, माँ और सोनम सब वहाँ इकट्ठे हो गए। खिड़की सड़क की तरफ खुलती होती तो शायद पत्थर लगने का शक भी होता, पर उस खिड़की का दूसरा सिरा स्टोर रूम में खुलता था। आखिर ये शीशा इस तरह कैसे टूटा, यह एक रहस्य ही था। तुझको लगी तो नहीं, माँ संकेत का चेहरा हाथ और कंधा पर रखते हुए बोली। नहीं नहीं माँ, आई एम क्वाइट ओके, वो पुराना हो गया था तो टूट गया, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, संकेत ने कहा। कैसी बात कर रहे हो संकेत, शीशा ऐसे नहीं टूट सकता, किसी ने तोड़ा है, सोनम ने रहस्यमयी अंदाज में बोला। कौन तोड़ेगा, पापा बेडरूम में थे, माँ किचन में और तुम वहाँ सोफे पर। छोड़ो इस बात को, संकेत ने बात टाल दी और माँ की तरफ मुड़कर बोला, माँ मौका भी है दस्तूर भी, कचौड़ी बनाकर खिला दो आज। चल ठीक है, मैं तैयार कर लेती हूँ, इतना बोल माँ किचन की तरफ चल दी। पापा, सोनम यहीं रुकेगी 15 दिन, सबको नॉर्मल कर दिया था संकेत ने, पर पापा और संकेत एक दूसरे को जिन नजरों से देख रहे थे, दोनों को मालूम था कि यह अपने आप नहीं था। संकेत ने सोनम को उसके कमरे में छोड़ा और स्टोर रूम की दीवारें खंगालने लगा। अचानक लगा जैसे कोई खड़ा हो पीछे, संकेत झटके से पलटा तो पापा को पाया पीछे। छोड़ दे, मैं पहले ही सब चेक कर चुका हूँ, कुछ नहीं है इस कमरे में शक करने लायक, पापा ने आश्वस्त किया संकेत को। पर पापा ये शीशा टूटा कैसे, संकेत ने सवाल किया। पता नहीं, अभी हम दर्शक हैं बेटा, देखते जाओ क्या क्या होगा, पापा बोले। कहीं पापा सच में चुड़ैल ही तो नहीं, संकेत बोला। कुछ बोल नहीं सकता बेटा, अगर चुड़ैल भी हुई तो उसका भी सामना किया जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र न कर, तेरा बाप बड़ा कमीना इंसान है बेटा, इतनी जल्दी किसी को जीतने नहीं देगा, पापा बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे। संकेत को कुछ जवाब ही नहीं सूझा पापा की इन बातों का, तो झटके से गले लग गया। चलो चलो चलो, कचौड़ी रेडी है अंकल, संकेत जल्दी आओ, सोनम थाली बजाकर चिल्ला रही थी। डाइनिंग टेबल पर इत्तेफाक से संकेत और सोनम आमने सामने बैठ गए। सोनम की तिरछी सी नजर संकेत को टोहने में लगी थी और संकेत बार बार नजर को चुराता, फिर बांधता और फिर हटा लेता। आंखों की ये गुस्ताखियां रात के 10 बजे तक चलती रही, शायद माँ और पापा भी नोटिस कर रहे थे उन दोनों की यह लुका छिपी। संकेत, मुझे खाने के बाद वॉक करने की आदत है, इफ यू डोंट माइंड थोड़ी देर वॉक करोगे मेरे साथ, सोनम ने चाशनी में डूबी ऐसी आवाज में संकेत से दरख्वास्त की कि वो मना ही नहीं कर सका। दोनों घर से बाहर निकल आए, ढेर सारी बातें, मुस्कुराहटें, नजाकत और शोखियां, क्या नहीं शामिल था उस वॉक में। कभी कभी गलती से संकेत और सोनम के हाथ लड़ जाते तो सोनम अदा से सॉरी बोल देती। दोनों को टहलते हुए आधा घंटा बीत चुका था। चलो संकेत, अब नींद आ रही है, चलते हैं, सोनम ने संकेत से बोला। जैसे ही दोनों घर की तरफ घूमे, एक अनजान सी चीज तेज गति से दोनों के सामने आकर गिरी। घबरा कर संकेत से लिपट गई सोनम, संकेत के हाथ कांप रहे थे। जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट जलाई तो रूह तक हिल गई दोनों की। एक सरकटी बिल्ली की लाश दोनों के कदमों के ठीक नीचे पड़ी थी। सोनम भी इतनी डरी हुई थी कि शायद जम गई थी वहां। संकेत ने सोनम का हाथ थामा और घर के अंदर ले आया। संकेत, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी, आंटी से पूछ लो अगर उनके कमरे में सो जाऊं। सोनम वाकई बहुत डरी हुई थी। संकेत ने माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाया, माँ जरा सोनम को सुला लेना अपने पास, पहली बार घर से बाहर निकली है तो अकेले थोड़ा डर गई है। संकेत ने माँ के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया, सोनम माँ को ये सब मत बोलना प्लीज, और धीरे से सोनम को भी हिदायत दे दी। अकेले तो संकेत को भी नींद नहीं आने वाली थी तो पापा के कमरे की तरफ बढ़ लिया। पापा रोज की तरह अपना रीडिंग टारगेट पूरा करने में लगे थे। पापा, आपाधापी में भूल गया, आपने आवाज लगाई थी शाम को, संकेत दरवाजे पर खड़े खड़े ही बोला। हाँ, आ भी तरह, उस पर्स में एक अंगूठी में मैन्युफैक्चरर का नाम मिला है, SJJ नाम की ज्वेलरी शॉप से खरीदा गया है उसे, कुछ तो सुराग मिलेगा ही उस दुकान से, पापा संकेत के हाथ में अंगूठी देते हुए बोले। चल कल मिल के आते हैं उससे, संकेत ने अपना सर पापा के सीने पर टिका दिया।
जिस पिता से वो हमेशा दूर भागा करता था, आज वो ही बाप सबसे मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा था। संकेत को वाकई यकीन आ गया था कि पापा के रहते हुए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।